जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान दे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज यानी कि DGHS रिक्रूटमेंट 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आप यहाँ पर ग्रुप बी एंड सी की वेरियस पोस्ट का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी पहले थोड़ा शॉर्ट में ये बताऊँगा कि कौन लोग इसमें एलिजिबल है, किस पोस्ट पर वैकेंसी निकली है, एज लिमिट क्या है और एप्लीकेशन फीस आपको कितनी देनी है। एंड देन इसी वीडियो के अंदर आप जानेंगे कि आपको कैसे इस फॉर्म को भरना है, जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा ताकि आपसे फॉर्म भरने में कोई भी मिस्टेक ना हो। अब चलिए शुरू करते हैं गाइज। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जहां पर आपको पूरी की पूरी जानकारी दी गई है। एंड यहां पर आने के लिए आपको क्या करना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारी ऑफिशियल साइट का लिंक दिया है। लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आप इस भर्ती के बारे में शॉर्ट में यहां पर जानकारी जान पाएंगे। इसमें आपके टोटल 487 पद निकाले गए हैं ग्रुप बी एंड सी की पोस्ट के लिए, जिसमें कि अगर आप एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 600 रुपए फीस पे करनी है। एंड एससी एसटी या फिर जो अन्य कैटेगरी बचती है इन कैटेगरी के अलावा उनके लिए कोई भी फीस नहीं है, बाकी कैटेगरी कैंडिडेट फ्री में अप्लाई कर पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात आप ये भी जान लीजिए कि ये जो वैकेंसी है ये आपकी परमानेंट है, यानी कि अगर आपका एक बार सिलेक्शन हो गया तो फिर आप यहां पर इसमें परमानेंट हो जाएंगे। फिर बात करें इंपोर्टेंट डेट्स की, तो आप लोग इस फॉर्म को 10 नवंबर 2023 से लेकर के 30 नवंबर 2023 तक भर पाएंगे। एग्जाम की डेट आपकी सेकंड वीक के अंदर रखी गई है दिसंबर 2023 में। फिर आप यहां पर यह जान लीजिए कि कौन सी पोस्ट के लिए टोटल कितनी वैकेंसी है और उस पर एज लिमिट कितनी है, तो यह सब जानकारी आप यहां पर जानेंगे। एंड इसके बाद में आपको जानने को मिलेगा कि कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। तो आप यहां पर इस टेबल के अंदर देख लीजिएगा कि कौन कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, जैसे कि फील्ड वर्कर की जो पोस्ट है इस पर सिंपली 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। फिर यहां पर आपको अन्य पोस्ट देखने को मिलेगी, इसमें आपकी एक लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट है, इस पर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता, साथ ही कहा है कि आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस के अंदर, तब आप इस पर अप्लाई कर पाएंगे। बाकी जो पोस्ट है इन पर भी आप देख सकते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। तो बेसिकली आपको यहां पर सभी की सभी जानकारी इस टेबल के अंदर चेक करनी होगी। यहां पर जो ये वाली पोस्ट है इन सभी पर अप्लाई करने के लिए आपसे सिंपली 10वीं पास की योग्यता मांगी है। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाहते तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके और भी डिटेल में यहां से जानकारी ले सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कि कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। तो फॉर्म फिल करने के लिए आप यहां पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने वाली वेबसाइट आएगी, यहां पर आने के बाद में आप रशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां पर आपका फुल नेम एंटर करना है, ये नाम आप आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। इसके बाद में आप यहां पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। एंड देन फिर यहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, अपना मोबाइल नंबर देना है, नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। तो यहां पर गाइज मैंने सभी जानकारी फिल कर ली है और फिल करने के बाद में आप इन जानकारी को चेक कर लीजिएगा, फिर ये कैप्चा कोड यहां पर डालिए और सबमिट रेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे योर रेशन इज सक्सेसफुल, आपको यहां पर लॉगिन आईडी आपकी ईमेल आईडी दी गई है एंड जो आपका पासवर्ड है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, डिस्प्ले के ऊपर भी दी गई है, यहां से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एंड देन आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से जानकारी आएगी। अब आपको यहां पर कुछ और जानकारी भरनी है, जैसे कि फादर हस्बैंड नेम, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहां पर आपके पति का नाम देंगे जो कि फीमेल कैंडिडेट को देना है, एंड मेल कैंडिडेट यहां पर आपके फादर का नाम एंटर करेंगे। फिर आपको आपकी मदर का नेम एंटर करना है, जेंडर आप यहां से अपना सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में आधार कार्ड नंबर है, तो जो आपका आधार कार्ड नंबर है वो आप यहां पर देना चाहे दे सकते हैं, चाहे तो आप इस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं, बट अगर आपके पास आधार कार्ड है तो नंबर जरूर दीजिएगा। फिर आते हैं मैरिटल स्टेटस, तो आपको बताना है मैरिड या अनमैरिड। एंड देन यहां पर आपके सामने ऑप्शन है नेशनलिटी का, तो आप बताइए इंडियन, बेसिकली इंडियन का ही ऑप्शन है तो आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है, जैसे कि ओबीसी एससी एसटी अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल, तो जो भी है वही आप यहां पर टिक कीजिएगा। फिर यहां पर आपसे आपकी सब कैटेगरी पूछी जा रही है, तो आप सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करके बताइए कि आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज्यादा है। अगर आप है तो आप ये वाला टिक कीजिएगा, एक्स सर्विसमैन है तो ये टिक कीजिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप ये टिक कीजिएगा, अगर आप इनमें से किसी भी चीज से बिलोंग नहीं करते हैं तो आप यहां पर नन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब आता है अप्लाइंग फॉर, तो आप किस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पर गाइज जो आपकी फील्ड वर्कर की पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे सिंपली 10वीं पास की योग्यता मांगी है। अगर आप नोटिफिकेशन पर भी जाएंगे तो आपको
यहाँ पर जानने को मिल जाएगा कि फील्ड वर्कर की पोस्ट पर कोई एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा और सिंपली 10वीं पास की योग्यता मांगी है। तो मैं इसी पोस्ट पर अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। आप यहाँ पर सभी पोस्ट पर ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर इस पोस्ट पर कर रहे हैं। तो चलिए हमने ये पोस्ट सेलेक्ट की, अब आपको यहाँ पर टिक करना है और टिक करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर एड्रेस की जानकारी आ चुकी है, ऊपर आपका नंबर और ईमेल आपको देखने को मिलेगी, साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे करंट मेलिंग एड्रेस यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिल करना है एड्रेस वाले सेक्शन में, और जो फिर आपकी सिटी है वो सिटी का नाम आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। एंड देन गाइज जो आपकी स्टेट है वो आपको सेलेक्ट करनी है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। इसके बाद में जो आपका पिन कोड है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। नीचे है परमानेंट एड्रेस, साथ ही है सेम एज करंट यानी कि मेलिंग एड्रेस, यानी कि अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस एक ही है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। अगर आपके एड्रेस अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से आप परमानेंट एड्रेस यहाँ पर भर दीजिएगा। फिर आता है प्रीफर्ड सिटी फॉर एग्जाम, यानी कि एग्जाम के लिए आप किस सिटी को प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो इन लोकेशन पर आपका एग्जाम सेंटर रहेगा जो कि यहाँ पर आपको मेंशन की गई है। तो पहली प्रेफरेंस किसको देनी है वो आपको सेलेक्ट करना है, सेकंड किसको देनी है वो सेलेक्ट करना है, और तीसरी किसको देनी है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है। तो यहाँ पर हम जिस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं इस पर सिंपली 10वीं पास की योग्यता मांगी है, तो हमारे सामने यहाँ पर 10वीं का ही ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पर है बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, तो आपने किस बोर्ड से की है या फिर किस इंस्टीट्यूट से या फिर किस यूनिवर्सिटी से। तो बेसिकली मैं आपको प्रिफेयर करूंगा कि आप बोर्ड के सेक्शन में यहाँ पर बेसिकली अपने बोर्ड का नाम एंटर करें कि आपने आपकी 10वीं किस बोर्ड से की है, फिर किस साल के अंदर पास की है उस साल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। एंड देन फिर यहाँ पर आएगा आपके सामने आपका मंथ, यानी कि आपको पहले मंथ सेलेक्ट ईयर सेलेक्ट करना है एंड फिर मंथ सेलेक्ट करना है। स्ट्रीम सब्जेक्ट, यहाँ पर गाइज इसमें स्ट्रीम और सब्जेक्ट का ऑप्शन है जो कि 10वीं के ऊपर मेनली एप्लीकेबल नहीं होता है, इसलिए आप यहाँ पर एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नाम लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर सभी सब्जेक्ट लिखने के जो जो जगह है वो अवेलेबल है, कोई यहाँ पर जो कैरेक्टर लिमिट है वो नहीं दी गई है। तो यहाँ पर गाइज मैंने सभी सब्जेक्ट एंटर कर दिए एक एक करके, देख सकते हैं आपको भी 10वीं के सभी सब्जेक्ट यहाँ पर लिखने हैं। एंड देन आपकी परसेंटेज कितनी थी 10वीं के अंदर वो आप यहाँ पर लिखेंगे, और इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे एड एनी अदर क्वालिफिकेशन फर्स्ट, अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन भी है तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे एनी अदर क्वालिफिकेशन फर्स्ट, तो आपको यहाँ पर उस क्वालिफिकेशन को सेम वे में बताने कि आपने किस बोर्ड से की है या फिर किस इंस्टीट्यूट से की है, किस साल और किस महीने के अंदर पास की है, आपके सब्जेक्ट क्या थे। अगर आपने 12वीं किया तो आप यहाँ पर 12वीं की जानकारी भरेंगे एंड फिर आपको बताना कि आपने आपकी 12वीं PCM से की है, आर्ट्स से की है, कॉमर्स से की है, या फिर एक एक करके 12वीं के सब्जेक्ट भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं एंड देन अपनी परसेंटेज यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। फिर अगर आपने कोई अन्य क्वालिफिकेशन भी की है तो आप यहाँ पर एड एनी अदर क्वालिफिकेशन टू इसके ऊपर क्लिक करके आपकी तीसरी क्वालिफिकेशन भी भर सकते हैं जो कि आप भरना चाहते हैं। फिर आप बोर्ड की जगह पर आपके इंस्टीट्यूट का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम देंगे जहाँ से आपने आपकी क्वालिफिकेशन की है। एंड इसके बाद में गाइज यहाँ पर जैसे कि मैंने सिर्फ 10वीं की ही जानकारी भरनी है तो मैं यहाँ पर बाकी दो ऑप्शन यहाँ पर हटा देता हूँ और सिंपली अब मैं सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। आप भी सेम वे में क्लिक कीजिएगा। अब आपको यहाँ पर फोटो आपका अपलोड करना है तो आपके फोटो का साइज 100 KB से कम रहना चाहिए और कलर्ड फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ तो मैंने एक रैंडम फाइल सेलेक्ट की और यहाँ से इसको ओपन करता हूँ तो आपका फोटो इस तरह से आ जाएगा। अब आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे, सिग्नेचर की फाइल जहाँ पर भी है सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से ओपन कर लीजिए, आपका साइन इस तरह से आ जाएगा। फिर आप अगर इस फॉर्म को SC/ST से भरे हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है जिसका फॉर्मेट JPG या फिर PDF का चल जाएगा और साइज 200 KB से कम रखा है तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिएगा, जहाँ पर भी आपकी फाइल है जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी वो आप सिलेक्ट कीजिए एंड यहाँ से उसको ओपन कर लीजिए तो आपकी फाइल यहाँ पर आ जाएगी, उसका नेम आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे तो जहाँ पर भी सर्टिफिकेट है वो फाइल आपको सेलेक्ट करनी है एंड यहाँ से इसको ओपन करना है, आपकी फाइल यहाँ पर आ जाएगी। अगर आप किसी ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर कि हायर क्वालिफिकेशन मांगी है तो फिर आपको यहाँ पर वो सर्टिफिकेट भी अपलोड करने होंगे। एंड देन अब आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आप देख सकते हैं कि आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है, आपने जितनी भी जानकारी अभी तक भरी है वो आपके सामने। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत हुई है, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है तो मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके मॉडिफाई कर ले, नहीं तो आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करें। SC/ST के लिए कोई फीस नहीं है इसलिए इनका फॉर्म डायरेक्टली सबमिट हो जाएगा और यहाँ पर ही डायरेक्टली प्रिंट के ऊपर क्लिक करके अपना फॉर्म प्रिंट कर पाएंगे। जैसे ही आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेम इंटरफेस आएगा, प्रिंट के ऊपर यहाँ पर क्लिक कीजिए। अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में इसको प्रिंट करा लीजिए।
दीजिएगा। अब आप यहाँ पर होम के ऊपर आइए, और होम के ऊपर आने के बाद में अगर आप दूसरी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा था कि आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आया था अप्लाई फॉर न्यू पोस्ट। तो अप्लाई फॉर न्यू पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आप लॉग इन कर लीजिएगा लॉग इन आईडी पासवर्ड के साथ में। एंड गाइज, आप जैसे ही लॉग इन करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अप्लाई फॉर न्यू पोस्ट में, आप यहाँ पर कोई और पोस्ट पर अप्लाई अगर करना चाहते हैं तो वो सिलेक्ट करके प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। एंड फिर यहाँ पर जो जानकारी अभी आपने भरी है वो सभी आपकी ऑटोमेटिकली भरी हुई है। सिंपली आप यहाँ पर इस तरह से सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके अपनी जानकारी को वेरीफाई करते हुए जाएंगे एंड जो क्वालिफिकेशन मांगी है उस पोस्ट पर वो क्वालिफिकेशन यहाँ पर भर देंगे, और फिर आप कम ही समय के अंदर अपना दूसरा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से गाइज आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। मैंने यहाँ पर अगर आपको डबल पोस्ट पर अप्लाई करना है उसकी भी जानकारी दे दी है। एंड अगर आपका फिर भी कोई सवाल डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड अगर गाइज मैं आपको बताऊँ कि ये वीडियो में किस वक्त आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप थोड़ा शॉक हो सकते हैं, क्योंकि गाइज यहाँ पर अभी मैं आपको टाइम दिखाई देता हूँ, अभी रात के 12:43 हुए हैं। जब तक मैं इस वीडियो को पब्लिश करूँगा तो ये रात के 1:30 से 2 बज जाएंगे। एंड मैं रात में ही आपके लिए स्पेशल एफर्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको सबसे पहले फॉर्म फिलअप का प्रोसेस बताया जाए। एंड अगर आपको लगता है कि मैं कुछ स्पेशल कर रहा हूँ तो आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि गाइज आपको इसके बारे में आगे भी अपडेट दिए जाएंगे। एंड वैसे आपको हमारे चैनल के ऊपर ऑल इंडिया के जो अपडेट दिए जाते हैं, फॉर्म फिलअप की वीडियोज दी जाती है, सिलेबस दिए जाते हैं, एडमिट कार्ड अपडेट दिए जाते हैं, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया कहीं ना कहीं आपकी ये हेल्प जरूर करेगा। सो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मेरी तरफ से गुड नाइट।